और अब हम ये नेथन फिलिप्स स्क्वायर कहलाता है वहाँ पर आ गए हैं, जहाँ पर ये टोरंटो का साइन है और इसके पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो यहाँ की सिटी हॉल है। योग माया की यात्रा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ एक और जो जगह बची थी यहाँ पर नायग्रा फॉल से देखने के लिए, तो अब वहाँ की ओर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो एक फ्लावर बहुत बड़ी क्लॉक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। और तो खाली रोजेस की ही वैरायटी मिलेंगी यहाँ पर, तो काफ़ी लंबे में फैला हुआ है। और ये देखिए मेरा फेवरेट पार्ट था, ये हरियाली और रास्ता, तो बहुत ही प्यारा पिक्चरस का सीन था यहाँ पर। तो बस अब बॉटनिकल गार्डन को देखने के बाद में अब हम लोग घर पर निकल चले हैं, और घर पर अब हम लोग जाकर पिज्ज़ा बनाने वाले हैं। और पिज्ज़ा हम लोग पूरा स्क्रैच से बनाते हैं, तो उसका पूरा डो तैयार करके। और हम लोग तकरीबन 12 लोग थे और 7 पिज्ज़ा हम लोगों ने बनाए। तो अगर आप लोगों को पिज्ज़ा की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ नीचे लिख कर बताइए कॉमेंट्स में, और मैं अगली बार जब भी बनाऊँगी तो शेयर करती हूँ। तो दूसरा दिन हो गया है और यहाँ पर एक छोटा सा पार्क था, तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा मॉर्निंग जॉगिंग करने के लिए निकल गए हैं। और
इस पार्क में सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है वो यहाँ पर है, बच्चों के लिए अलग अलग स्टोरी के बोर्ड्स बने हुए हैं, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये छोटा सा पॉन्ड है यहाँ पर बीच में, तो सुंदर गीज आ रही है, हाँ नहीं दिख रहे यहाँ पे भी काफी है। या यहाँ पे बेबी गीज है, लुक एट दैट, मामा गीज देयर। देखिए यहाँ पर कितने सारे गीज हैं बैठे हुए हैं, पर ये काफी अग्रेसिव होते हैं अगर उनके बच्चों को कुछ कर दिया, छुआ तो दूर से इनको देख सकते हैं बस। ये पूरे गीज भरे हुए हैं, they have the best life, I know, stay in the sun and when they want to go in the water they go in the water, yep। So देखिए पार्क में छोटे छोटे से स्टोरी बोर्ड लगाए हुए हैं, तो जैसे ये 7 of 21 है, तो ऐसे 21 है बच्चों के लिए, तो बच्चे यहाँ से चलते चलते पढ़ते जाएं और साथ साथ वॉक भी करें। सो देखिए वो 7 out of 12 पढ़ा था, अभी 3 और निकल गए, तो ये 10 out of 21, 7 out of 21 जो पढ़ा था, तो इसी तरह की स्टोरी है बच्चों के लिए, तो बच्चे पढ़ते पढ़ते स्टोरी वॉक करें। सो देखिए पूरे 21 के 21 से यहाँ पर ख़त्म हो गई है स्टोरी, तो अब सब लोग यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं और टैग कर सकते हैं, तो सब लोग आकर यहाँ पर पढ़ें और देखें स्टोरीज़ को भी, ये अच्छा बच्चों को एंटरटेन करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो बस फिर हम लोग आराम से तैयार होकर यहाँ पर आए हैं, और ये विष्णु मंदिर है, और यहाँ पर हनुमान जी की एक काफ़ी ऊँची प्रतिमा बनी हुई है जो 50 feet ऊँची है, और ये यहाँ पर मुरारी बापू जो हैं उन लोगों ने आके उसको उन्होंने इसको अनवील करी थी। सो देखिए ये चावल की बनाई हुई है, ये सारे चावल हैं, अगर आप देखेंगे तो कलर किया हुआ है, ये चावल से रंगोली बनाते हैं यहाँ पर, अलग अलग डिज़ाइन हर रोज। देखिए आने लगे प्राइम मिनिस्टर ने जिन्होंने आके इस मंदिर का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पे एक और शॉप है जिसका नाम है बल्क बार, सो सारी चीज़ें बल्क में मिलती हैं, तो उसमें काफ़ी सारी कैंडीज आपको जो चाहिए हो, क्रैनबेरी और जो भी चीज़ चाहिए हो, तो देखिए यहाँ पर सब हैं, मूंगफली हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, पिस्ते हैं बल्क में, पीनट्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, M&M's हैं, छोटे M&M's, बड़े हैं, रीसेस हैं। सो देखिए यहाँ पर सारी दालें हैं, तो जो बल्क में जो नहीं आपको अलग अलग तरह के जितने भी ग्रेन्स हैं, अलग तरह के पास्ता हैं, और यहाँ पे अपनी मसूर, मूंग, अलग अलग तरह की दालें यहाँ पर भी हैं। तरह की काली मिर्च, हेलोपीनियो पेपर्स के भी सीड हैं, अलग तरह की सीजनिंग्स हैं, इटालियन सीजनिंग, सो ये पूरा स्पाइस में भरा हुआ है। सॉर क्रीम एंड अनियन रिंग हैं, कैंडीज हैं, काफ़ी सारी किसेस देखिए कितने सारे हैं। नेक्स्ट वाले ड्राई फ्रूट्स हैं, वॉलनट हर्ब्स हैं, पीसेस हैं, ये बादाम का पाउडर है, आमंड फ्लावर, और ये देखिए प्रोटीन पाउडर हैं। सो अलग अलग तरह के प्रोटीन पाउडर हैं, कुछ लोग कॉलीफ्लावर का पाउडर भी है,
और अगर आपको बेकिंग का शौक है तो देखिए अलग अलग तरह के बेकिंग के, अलग अलग तरह के फ्लावर्स, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सेल्फ राइजिंग, ब्लीच्ड, अनब्लीच्ड। देखिए अगर कॉफ़ी में जाएं तो अलग अलग तरह की बहुत सारी कॉफ़ीज़ हैं, मतलब नेवर एंडिंग है यहाँ पर। सो देखिए ये सब सामान लिए हैं यहाँ से। तो ये कनाडा का वाटर फ्रंट है जो कि ओंटेरियो लेक पे है, तो वो भी हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भी आए थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आफ्टर द लंच। और अब हम ये नेथन फिलिप्स पे कहलाता है वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर ये टोरंटो का साइन है, और इसके पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो यहाँ की सिटी हॉल है। तो ये ओल्ड सिटी हॉल है और उसी के सामने यहाँ पर ये न्यू सिटी हॉल बना हुआ है टोरंटो। नॉर्डस्टॉर्म में भी बहुत अच्छे सामान मिल जाते हैं ब्रांडेड, अगर आपको कुछ लेना हो तो। बस अब शॉपिंग कर लिए हम लोगों ने, अब हम लोग वापस निकल रहे हैं घर की ओर। तो यहीं पर ईटन सेंटर के सामने कोई बैठकर बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ी देर रुक कर वहाँ पर वो भी सुना। बस यहीं पर एंड होता है हम लोगों के टोरंटो के टूर का। और देखिए अब बिस्किट भी बहुत थक गया है, एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट नाउ। उस दिन सुबह मेरी फ्लाइट थी तो मैं निकल रही हूँ, और देखिए बिस्किट कितने सैड देख रहा है। अब अगली डेस्टिनेशन पे मिलते हैं आप सबसे, और तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने कमेंट्स नीचे लिखकर बताइए।